वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे पे मैनेजर पर एम्प्लॉय का SCP एरियर अपन कैसे बनाएंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। SCP एरियर बनाने के लिए आपको इस टाइप से यहां पर एक एक्सेल शीट जनरेट कर लेनी है, जिसमें यहाँ पर आपके ऑफिस का एड्रेस होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, उसका डेजिग्नेशन प्लस स्कूप या प्लेस का नाम, जैसे एम्प्लॉय का यहाँ पर नेम सर्च सबमिट करते ही यहाँ पर ये शीट जनरेट ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर इनका पे टू बी रिसीव जो उनको प्राप्त करना था और उन्होंने सैलरी जो हैज़ बीन रिसीव प्राप्त की और उसका सैलरी डिफरेंट यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे जनवरी 19 से लेके जून 19, यानी कि जनवरी में उनकी SCP लगी थी और जून से उनको दे हुआ, तो जून तक कि उनका SCP एरियर यहाँ पर नीचे टोटल अमाउंट आ गया 6,440 ओनली, यानी कि 6,440 रुपये ये यहाँ पर इनवर्ट शो हो गया। और ये एक्सेल शीट आपको पे मैनेजर पर बिल सबमिट आफ्टर DDO से वेरीफाई करके ट्रेजरी में जमा कराने थे। यहाँ पर DDO नेम, सील एंड सिग्नेचर, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम जिसे अपन ने XYZ लगा रखा है, आप यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम वगैरह सेलेक्ट करके इसकी प्रिंट ले लेंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी इसकी। इस टाइप से बनाने के बाद में आप इस एक्सेल शीट की प्रिंट निकाल लेंगे। आफ्टर आप यहां पर पे मैनेजर DDO लॉगिन करेंगे, जिसमें DDO ID पर पे मैनेजर का पासवर्ड कैप्चा फिल आफ्टर DDO लॉगिन आफ्टर चेकबॉक टिक्स टैग टू मी मैन साइट। ये पे मैनेजर होम पेज अपना ओपन हो चुका है। आफ्टर सबसे पहले अपन को बिल प्रोसेसिंग की टैब में बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन करना है अपन को, सैलरी एरियर बनाना है तो बिल एलोकेट कर लेंगे अपन। फर्स्ट प्रोसेस सैलरी एरियर, अपन को डिफरेंट सैलरी का एरियर बनाना है। SCP एरियर है और समवेतन में ही ऑब्जेक्ट है 01, बिल नंबर बिल रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ पर सेलेक्ट बिल आफ्टर सबमिट बिल रजिस्टर डिटेल एडिट सक्सेसफुली। अब बिल प्रोसेसिंग की टैब में ही अपन सैलरी एरियर को लेंगे, सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी एरियर। यहाँ पर SCP एरियर का बिल बनाया है, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ में अपन बनाना है। अपन सितंबर मंथ रनिंग मंथ है, ईयर 2019 ऑलरेडी सेलेक्ट है और अपन ने जो बिल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 78 बिल नंबर सेलेक्ट आफ्टर। यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करेंगे किसका बिल बना रहे हैं, SCP एरियर है अपना, SCP एरियर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेम से सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय को, प्लीज़ इंटर फर्स्ट लेटर, यानी कि उस एम्प्लॉय का नेम का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो सबमिट कर देंगे। यहाँ पर नेम वह सेलेक्ट एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट हो चुका है। अब इनका अपन को पहले तो एड अलाउंस, एड अलाउंस में अपन लेंगे SCP एरियर इनका बन रहा है, तो फ्रॉम डेट टू डेट अपनी शीट है उसमें जनवरी से लेके जून 19 तक का। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो है उसी का अपन को ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर सही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जनवरी और फरवरी ये फाइनेंशियल ईयर 19 के हैं और यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है इन महीनों में, मार्च अप्रैल और मई, ये फाइनेंशियल ईयर जो मार्च से शुरू होता है तो मार्च टू फरवरी यहाँ पर चलता है, फाइनेंशियल ईयर मार्च टू फरवरी चलता है। तो यहाँ पर दो फाइनेंशियल ईयर हो गए, इसलिए यहाँ पर इन दो टुकड़ों में जनवरी और फरवरी का अपन ने अलग लिया है और मार्च से लेकर के अप्रैल तक का इसमें अलग लिया है। ये फाइनेंशियल ईयर का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अगर आप फाइनेंशियल ईयर सही सेलेक्ट करेंगे तो आपका बिल बिल्कुल सही से जनरेट हो जाएगा। तो 1 जनवरी से लेके अपनों को इस शीट के अकॉर्डिंग जनवरी से लेकर के जून तक का SCP एरियर है, तो जून तक की अपन फाइनेंशियल ईयर यानी कि पहले फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसमें जनवरी टू फरवरी दो ही महीने सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट मार्च टू जून एक फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर अपन को सेलेक्ट करने पड़ेंगे इसमें डेट सबमिट करने में। यही ध्यान रखने वाली बात है, वरना ये रेंज फ्रॉम टू डेट मस्ट बी साइन फाइनेंशियल ईयर, इस टाइप से एरर मैसेज बता देगा। तो 1 जनवरी
से सेकेंड टू कब तक, यानी कि फरवरी, फरवरी 28 फरवरी तक का अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिक अब डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अपन ने फाइनेंशियल ईयर सही लिया तो इसने डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली कर दिया इसको, ओके। यहाँ पर जनवरी और फरवरी का बेसिक अपन ने लिया है, जो जनवरी का बराबर 574 पर डिफरेंट अमाउंट 367 रुपया और फरवरी का बेसिक प्लस डिफरेंट अमाउंट 1000। फिर आफ्टर सबमिट डाटा अपडेट सक्सेस। इसी तरह से अपन डीए को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले अपन ने इन दो महीनों का ही लेना है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट। ऑप्शन में अपन को यही ध्यान रखना है, ये डेट सबमिट कर लेनी है 1 जनवरी 2019 से 28 फरवरी तक का, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अपन ले रहे हैं। उसके बाद में अपन को लेना है डीए, यहाँ पर सबमिट करेंगे ऑलरेडी ड्रॉन, यानी कि जो पहले से अपन ने 15/09 जनवरी का और डिफरेंट अमाउंट यहाँ पर था 44 रुपीज़ ओनली, प्लस फरवरी का यहाँ पर वही सबमिट कर लेते हैं 41/16। शीट के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर डीए भी वही जैसे जनवरी का अपन ने 15/09 और फरवरी का 41/16 ऐड किया है, और इसका डिफरेंट यहाँ पर 120 ये अपन ने सबमिट कर लिया। यानी कि ये डीए हो गया प्लस ये उसका बेसिक भी हो गया। अब तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर लेना है अपन को वो है एचआरए। एचआरए में भी वही डेट सबमिट करेंगे उनको फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अपन ने पहले दो महीनों का लिया है, इसलिए अपन यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से फरवरी ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है एचआरए 107 डिफरेंट अमाउंट ऑलरेडी ड्रॉन। एचआरए कितना था 1006 और डिफरेंट अमाउंट यहाँ पर 29 यहाँ पर 2744 और 80 रुपीज़, इसको अपन सबमिट कर लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट दो महीनों का जनवरी और फरवरी का बेसिक डीए और एचआरए। इसी तरह से अपन बाकी का फाइनेंशियल सेलेक्ट आफ्टर मार्च अप्रैल और मई और जून, इन चार महीनों का भी ये बेसिक डीए और एचआरए और डिफरेंट बेसिक डीए और एचआरए यहाँ पर सबमिट करने का। डिडक्शन के नाम से यहाँ पर 0 है तो डिडक्शन का अपन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन को सिलेक्शन करना है 1 मार्च से डायरेक्ट 30 जून तक अपन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चेंज हो गया इसलिए अपन यहाँ पर जून तक का, पहले में यहाँ पर बेसिक। तो ये यहाँ पर बाकी के चार महीनों का यहाँ पर एरियर, इसमें बेसिक प्लस डीए उसके अकॉर्डिंग सबमिट हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट सबमिट कर लेना है, डिफरेंट अमाउंट यहाँ पर सबमिट आफ्टर फाइनल सबमिट डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसी तरह से यहाँ पर डीए। अब इसका लास्ट सबमिशन है यहाँ पर एचआरए का, जो बकाया चार महीनों को अपना बाकी है। अब यहाँ पर लास्ट एलोंस था सबमिट आफ्टर डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये एक तरफा पूरा था, अब अपना टोटल अमाउंट यहाँ पर इस शीट के अकॉर्डिंग सबमिट हो गया। यहाँ पर टोटल अमाउंट बन रहा है 6,440 रुपया, और यहाँ पर डिडक्शन में कुछ भी नहीं है, अपने डिडक्शन किया नहीं है, क्योंकि टैक्स भी इम्प्लॉय का यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया है, प्लस जीपीएफ में भी यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं किया है। ओनली यहाँ पर अलाउंस ही शो हो रहा है, टोटल यहाँ पर 6,440, डिडक्शन में यहाँ पर 0 है और पेबल इन सैलरी 6,440 रुपया। अगर डिडक्शन होता तो अपन यहाँ पर एड डिडक्शन करते, अगर कोई टैक्स वगैरह या कोई डिडक्ट होता तो अपन यहाँ पर वही डेट मंथ सेलेक्ट करते फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग और
अपन टैक्स डिडक्शन करते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिडक्शन नहीं है। अगर कोई दूसरा एम्प्लॉई है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसी पेरियर प्रोसेस आफ्टर बिल प्रोसेसिंग की टैब से यहाँ पर फॉरवर्ड टू डीडीओ और फॉरवर्ड टू डीडीओ आफ्टर बिल चेक कर लेंगे कि वास्तव में जो एम्प्लॉई का बिल अपने बनाया है वो सही है। इस स्लिप के अकॉर्डिंग मिलान कर लेंगे जो अपने एक्सेल शीट बनाई है। आफ्टर आप बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आफ्टर रिपोर्ट की टैब में उसमें सैलरी एरियर रिपोर्ट, यहाँ पर सैलरी एरियर रिपोर्ट से इनर आउटर और अगर डिडक्शन किया है अपने तो उसके शेड्यूल वगैरह की प्रिंट लेकर के ट्रेजरी में जमा करा देना है। तो दोस्तों ये थी SEP एरियर की पूरी प्रोसेस जो मैंने वीडियो के साथ में शेयर की है। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।